बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली की हवालत में सोनू उर्फ सोमदत्त की मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। तत्कालीन इंस्पेक्टर सहित 8 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की जाएगी और सीबीसीआईडी ने जांच में इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी पाया है। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के गांव कनेनी के युवक सोनू के 11 दिसंबर 2020 को हवालात में ही मौत हो गई थी और पुलिस ने उसे गांव की एक लड़की को भगाकर ले जाने के मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय इंस्पेक्टर समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धारा में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और मामले की सीबीसीआईडी ने विवेचना भी की थी और इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। सभी की गिरफ्तारी के लिए शासन ने मंजूरी दे दी है। गिरफ्तारी के लिए बुलंदशहर एसएसपी को पत्र लिखा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ में प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं। प्रशांत, कब तक गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल, देखिए ये जो दोषी पुलिसकर्मी है 8, उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है और बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार को इनकी गिरफ्तारी के लिए पत्र भेजा गया है। बीते 2020 में 11 दिसंबर को थाना खुर्जा नगर कोतवाली की हवालात में एक कनोनी गांव के निवासी सोनू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे मामले की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी। हालांकि सीबीसीआईडी ने इन सभी पुलिसकर्मियों को दोषी मानते हुए 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए विवेचना की थी, जिसके बाद इनको दोषी पाया और इनकी गिरफ्तारी के लिए एसएसपी को पत्र लिखा है। हालांकि बुलंदशहर एसएसपी अभी जो पत्र के बाद जानकारी कर रहा है और पूरे मामले में शासन ने भी इन सभी को गिरफ्तार करने के लिए मंजूरी दे दी है। अब जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और जो सीबीसीआईडी की एएसपी हैं अलका सिंह, उन्होंने ये जानकारी दी है। प्रशांत, मामला काफी पुराना है तो एक बार पूरे मामले को विस्तार से बता दीजिए। इसके साथ ही ये भी बताइए कि जो रिपोर्ट जांच की जा रही थी, अब जो रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें क्या बड़े खुलासे हुए इन पुलिसकर्मियों को लेकर? देखिए, प्रथम दृष्टया उनकी लापरवाही मानते हुए उनको हत्या का जिम्मेदार ठहराया है कि अगर ये लापरवाही ना होती पुलिसकर्मियों की तो उसकी मौत ना होती। हालांकि जो 11 दिसंबर 2020 को खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस एक सोनू नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेके आई थी और ये कनोनी गांव का निवासी था। एक लड़की को भगाने का इस पर आरोप लगा था, जिसके बाद पुलिस इसे पूछताछ के लिए लेकर आई थी और परिजनों ने आरोप लगाया था कि इसे टॉर्चर करके। तो जो परिजनों की तरफ से आरोप लगाए गए थे उस वक्त, वो सभी यहाँ पर सही साबित हुए। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका।